दोस्तों जब से YouTube का ग्रीन स्क्रीन फीचर आया ना, तब से भाई जो भी जिसका भी YouTube पे काम करने का मन करे वो काम कर रहा है और YouTube से कमा भी रहा है। भाई 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे सिर्फ अपना फेस दिखा रहे हैं और नॉर्मल से उसमें अपना काम कर दे रहे हैं और ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना के महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे भाई मेरा ग्रीन स्क्रीन मोनिटाइज नहीं हो रहा है, कुछ लोग कहेंगे भाई मेरा ग्रीन स्क्रीन वायरल नहीं हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है, क्यों आपके ग्रीन स्क्रीन वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं? साथ साथ आपको ग्रीन स्क्रीन बनाने का क्या बढ़िया तरीका है, क्या अच्छा तरीका है जिससे आपके चैनल पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए? देखिए दोस्तों, मैं यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखा हूँ और मेरे पास अभी 3 दिन पहले एक मिलियन सब्सक्राइबर वाला ग्रीन स्क्रीन चैनल वाला आया था। अब उस भाई में क्या गलती थी कि वो सिर्फ अपना फेस दिखा रहा था, इसके वजह से उनका चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ। मैंने तरीका बता दिया है, बहुत जल्द उनका चैनल मोनिटाइज भी करवा दूंगा। लेकिन वो गलती आप ना करें, आपका चैनल पे जो व्यूज आ रहा है ना, आप उसके पैसे कमाएं। ये नहीं कि भाई आप जब जब आपके चैनल पे व्यूज आने लग गए फिर उसके बाद आपका चैनल मोनिटाइज नहीं हो रहा है, फिर आप प्रॉब्लम में फंसे। उसका एक्चुअल तरीका क्या हो सकता है ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाने का, ये तरीका आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप कैसे अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो को वायरल कर सकते हैं वो भी तरीका बताने वाले हैं। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में ना कुछ चैनल दिखाने वाला हूं जो भाई आज के इस डेट में YouTube से अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं और वो अपने चैनल पे क्या अच्छा कर रहे हैं कि वो कमा रहे हैं, और आप अपने चैनल पे क्या गलतियां कर रहे हैं कि आप नहीं कमा पा रहे हैं, वो भी तरीका बताऊंगा। साथ साथ आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल से ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना पाएंगे। तो सब कुछ डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं यार, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक भी पार्ट को मिस करेंगे ना तो आप समझिए वो चीज मिस कर देंगे जो आपको YouTube पे कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है? क्योंकि यार मैं हर एक चीज हर एक वीडियो में अपना पूरा एफर्ट देता हूं कि आपको एक एक चीज मतलब स्टेप बाय स्टेप पता चल पाए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है यार, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, वहीं से हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों जस्ट आप लोग बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो गई है। अब यहीं से हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं चलता हूँ अपने यूट्यूब के एप्लीकेशन में। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा यूट्यूब एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहीं से हम आपको कुछ कुछ चैनल आपको दिखाएंगे जो भाई ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना के अपने चैनल को मोनिटाइज किए हैं। लेकिन आप भाई देखिए YouTube पे तो भाई बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं और ये ग्रीन स्क्रीन फीचर इसलिए दिया गया है कि जगह जिसके पास है, जैसे मेरे पास पूरा बैकग्राउंड है, मेरे पास पूरा अच्छा सा सेटअप है, तो मैं आराम से अपना रिएक्शन देकर वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन जिनके पास ऐसा सेटअप नहीं है, जिनके पास अच्छा ऐसे लाइट नहीं है, जिनके पास अच्छा सा मतलब वीडियो नहीं बना सकते, उनके लिए ग्रीन स्क्रीन फीचर बनाया गया है। कहने का मतलब दोस्तों मेरे ये है, ग्रीन स्क्रीन फीचर इसलिए दिया गया है कि जिसके पास अच्छा सा सेटअप नहीं वो भी आप आराम से यूट्यूब पे आके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हर एक चीज का एक अलग मतलब एक अच्छाई होता है तो बुराइयां होता है। मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ क्या करते हैं ना, आते हैं नॉर्मल से इस प्रकार से नॉर्मल सा खड़ा होकर सिर्फ मतलब उसमें ग्रीन स्क्रीन का फीचर का यूज करके वीडियो डाल देते हैं। अब पता चलता है जब वो उस पर वीडियो वायरल होता है, बाद में जब मोनिटाइज के लिए जाते हैं तो वो वीडियो मतलब मोनिटाइज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि भाई वो गलती क्या है, ग्रीन स्क्रीन फीचर का मतलब ये हुआ रिएक्शन आप दे रहे हैं, रिएक्शन का मतलब आपका भी कोई उसमें एफर्ट होना चाहिए। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चैनल, फिर आपको कैसे ग्रीन स्क्रीन वीडियो अच्छे तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चैनल यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे चैनल यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है। इस चैनल पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस चैनल का नाम यहाँ पे देखिए दोस्तों MR, ठीक है, ये वाला चैनल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इनके चैनल पे यहाँ पे 874 वीडियो अपलोड है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 6,34,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है। अब ये भाई अपने हर एक वीडियो में क्या करते हैं भाई, ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक वीडियो, यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ इनका यहाँ पे फेस है, यहाँ पे ये फेस दिख रहा है, 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 ये फेस दिख रहा है। आप एक कैसे ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हैं और इनका चैनल मोनिटाइज, आप अभी मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पहले इनका पहले यहाँ पे वीडियो है, पहले मैं इनका चैनल मोनिटाइज वो प्रूफ दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए उससे वीडियो में आ गया, नीचे यहाँ पे देखिए उससे एक डॉलर का सिंबल बना हुआ, मतलब ये सुपर थैंक्स का यहाँ पे सिंबल है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मैं इनके पास यहाँ से पैसे भेज सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अब ये पैसे कैसे कैसे इनके पास जाएगा, जाहिर सी बात दोस्तों जब इनका चैनल मोनिटाइज है तभी इनके मोनिटाइजेशन वाले सेक्शन में जाएगा, तभी इनके ये जो पैसा इनके अकाउंट में आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों ये वाला चैनल यहाँ पे मोनिटाइज है और सिर्फ यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो यहाँ पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये अपने चैनल पे ना ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हैं और हर एक वीडियो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कितना भी स्क्रॉल करता जाऊँ ना, हर एक वीडियो ग्रीन स्क्रीन वीडियो, ये वाली वीडियो देखिए दोस्तों ग्रीन स्क्रीन है और ये वाली ग्रीन स्क्रीन वीडियो है। अब ग्रीन स्क्रीन वीडियो का एक खास बात होता है ना कि आप किसी पर किसी भी वीडियो पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना सकते हैं। अगर आप कार्टून वीडियो चाहते हैं तो आप कार्टून वीडियो पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाइए, अगर आपका मन है कॉमेडी वीडियो पे तो कॉमेडी वीडियो बना दीजिए, आपका मन है इंटरटेनमेंट वाले वीडियो पे तो इंटरटेनमेंट वाले बना दीजिए, आपका मन है स्पोर्ट्स वाले वीडियो पे, न्यूज वाले वीडियो पे,
आपका जिस पे मन कर रहा है भाई आप उस पे बनाइए, बस बनाने का तरीका आपका से होना चाहिए। साथ आप जिस प्रकार से कंटेंट चेंज करेंगे उस हिसाब से आपको कैटेगरी चेंज करनी रहती है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो कॉमेडी वाले वीडियो पे अपना रिएक्शन दे रहे हैं और वो अपना वीडियो जो है ना वो इंटरटेनमेंट कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अगर न्यूज वाले में दे रहे हैं तो वो कॉमेडी वाले में डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स वाले में अपना रिएक्शन दे रहे हैं वो भाई वो ब्लॉगिंग में डाल रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। तो आपको हमेशा कुछ सही ना सही तरीके से वर्क करना पड़ेगा। तो ये सही तरीके से वर्क करने के लिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, ये चैनल आप लोगों ने देख लिया भाई। अब इनके चैनल पहले मैं मोस्ट पॉपुलर व्यूज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों इनके यहाँ पे वीडियोस पे कितना जबरदस्त व्यूज आया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 54 मिलियन आया है, 39 मिलियन आया है, 21 मिलियन आया है, 13 मिलियन आया है, 10 मिलियन आया है, यहाँ पे 7.4 मिलियन आया है। अब ये जबरदस्त व्यूज है भाई। अब यही अच्छे तरीके से वर्क करने का रीजन है कि आज इनका चैनल मोनेटाइज है। तो यही तरीके से आपको भी वर्क करना है। अभी मैं एक चैनल यहाँ पे और भी आपके सामने यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार दोस्तों जैसे आप लोग बगल में देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक और चैनल यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब इस चैनल को दिखाने का रीजन दोस्तों ये है कि भाई ये परफेक्ट तरीके से शॉर्ट वीडियो का यूज कर रहे हैं और ये परफेक्ट तरीके से उस पर वीडियोज बना रहे हैं। अब मैं इनका यहाँ पे चैनल यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों इनका फेस यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे इनका चैनल मोनिटाइज है। अभी मैं इनको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, पहले आप इनका फेस आप अच्छे तरीके देखिए, यहाँ पे फेस है, ठीक है। लेकिन इनका चैनल यहाँ पे मोनिटाइज है, पहले मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। मैं आता हूँ इनके कमेंट वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखिए दोस्तों इनके भी चैनल पे यहाँ पे सुपर थैंक्स का बटन इनेबल है, मतलब मैं इनको भी यहाँ पे पैसे यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ, मतलब इनका भी चैनल यहाँ से मोनिटाइज है। अब ये परफेक्ट तरीका मैं क्यों कर रहा हूँ, अब इनका वीडियो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए ये भाई पूरा साफ साफ इसमें कमेंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं मैच में स्विच हिट खेलना या फिर क्रिकेट में स्विच हिट करना, मतलब ये बता रहे हैं भाई पूरे अच्छे तरीके से। अब साफ साफ यहाँ पे सुनिए आप लोग, मैच में अलग प्रेशर होता है कि आपके पास एक ही बॉल है, अगर मिस किए तो आउट भी हो सकते हैं, जबकि नेट में ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये शॉट बहुत ही बेहतरीन है। नेट में स्विच हिट, इसी प्रकार दोस्तों इनके हर एक वीडियो में भाई ये जबरदस्त तरीके से कमेंट्री करते हैं। हमारे गाँव के भाषा में इसे हौंकना कहते हैं। अब बस यही है क्यों इनका ये भाई परफेक्ट तरीके से, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि भाई ये ग्रीन स्क्रीन का पूरा भरपूर यूज कर रहे हैं। बस आपको भी यही काम करना होगा भाई, आप जिस भी वीडियो पे आप अपना ग्रीन स्क्रीन मतलब का यूज कर रहे हैं उसको आप क्या करिए, आप उसमें पूरा अपना एफर्ट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, मैं एग्जाम्पल इसलिए इनका दिखाया हूं कि भाई ये परफेक्ट तरीके से पूरा ग्रीन स्क्रीन फीचर का यूज कर रहे हैं और इनका चैनल कभी भी यूट्यूब रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये भाई जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको भी वर्क करना होगा। अभी मैं आपको वर्क करने का तरीका बताऊंगा, जब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो लूंगा, शॉर्ट वीडियो पर वीडियो बना के भी दिखाऊंगा कैसे आपको वीडियो बनाना चाहिए। तो अभी देखिए दोस्तों मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ग्रीन स्क्रीन फीचर का बेहतर तरीके से यूज करने के लिए सबसे पहले आपको वो वीडियो ढूंढना पड़ेगा जिसपे आप ग्रीन स्क्रीन फीचर का यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपका मन कर रहा है कार्टून वीडियो से वर्क करने का तो आप कोई कार्टून वीडियो ढूंढ लीजिए, अगर आपका मन कर रहा है भाई कॉमेडी वीडियो का तो कॉमेडी वीडियो ढूंढ लीजिए, या फिर आपका मन कर रहा है कोई न्यूज पे देने का तो न्यूज पे दे दीजिए। तो मैं एग्जाम्पल के लिए भाई यहाँ पे शॉर्ट में आता हूँ, कोई एक वीडियो यहाँ से देख के ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली वीडियो काफी जबरदस्त लग रही है भाई, स्केट बोर्डिंग कर रहा था यहाँ पे, तो मैं इसी पे आपके सामने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन फीचर का यूज करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक रिमिक्स का ऑप्शन देता है, रिमिक्स पे क्लिक करिए। रिमिक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ग्रीन स्क्रीन फीचर का यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे आप ग्रीन स्क्रीन फीचर पे टैप करेंगे ना, फिर आपका यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आप सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड यहाँ पे 15 सेकंड ऑटोमेटिक ले लेता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके पूरा इस पे टैप करके पहले इसको पूरा वीडियो में कर देना है। अब इसको पूरा बड़ा कर देना है, नीचे से यहाँ पे बड़ा करने का ऑप्शन आएगा, ये जो छोटा सा ऑप्शन है ना ये वाला, इसी पे क्लिक करके आपको पूरा बड़ा कर देना है। इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो पूरी स्टोरी रहेगी ना उस वहां तक वीडियो पहुंच जाएगी, बीच में से कटेगी नहीं, तो वीडियो लोगों को और भी देखने में अच्छा लगेगा। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते थे जो कि आज के बाद करना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए ये एक तरीका हो गया। दूसरा फिर आपको यहाँ पे डन पे टैप करना, डन पे टैप करने में प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के बाद दोस्तों डायरेक्ट ये मेरा फेस यहाँ पे डिटेक्ट करेगा और मेरे फेस पे किस प्रकार से ग्रीन स्क्रीन फीचर का यूज करेगा वो देखिए। अब लेकिन यहाँ पे होता क्या ना, यहाँ पे मेरे अगल बगल में बहुत सारी बत्ती है, हो सकता है ग्रीन स्क्रीन मतलब उसको थोड़ा सा मेरा फेस कट करने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसको क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे पहले ये करता हूँ, यहाँ पे इसको फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब फ्रंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा पूरा फेस यहाँ पे ले ले रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे हल्का से इस प्रकार से अपने दोनों उंगली से इस प्रकार छोटा कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे साइड में यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों साइड में बेहतर तरीके से लग गया। अब आपको क्या अच्छा करना होगा, बहुत सारे लोग करते हैं नॉर्मल से यहाँ पे कैमरे यहाँ पे बीच वाला जो ऑप्शन है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग करते हैं जो बीच में रिकॉर्ड का ऑप्शन बना हुआ ना उसी पे सिर्फ क्लिक करके नॉर्मल से
इस प्रकार से ग्रे स्किन का फीचर का यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा भाई, वो ब्रश कर रहे हैं या फिर घूम रहे हैं कहीं पे, बाइक पे बैठे हैं, राइड कर रहे हैं, उस पर आराम से बना दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भाई चैनल मोनिटाइज नहीं होने वाला। आपको क्या करना है ये देखिए, आपको इस बीच बीच वाला जो रिकॉर्ड का बटन, उस पर क्लिक करना होगा और आपको किस प्रकार से बोलना है ये देखिए, यहाँ पे देखिए। अरे यार ये भाई क्या स्केट बोर्डिंग कर रहा है यार, क्या जबरदस्त कर रहा है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है यार, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों भाई की क्या टैलेंट है यार, देखने के बाद बिल्कुल मजा आ रहा है। अगर आप लोग भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। यार क्या खतरनाक, क्या भाई दिल खुश कर दिया भाई ने बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पे ये जो मैंने ग्रे स्किन फीचर का यूज किया ना, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका था। इसी प्रकार से आपको यूज करना भाई, आपको वीडियो में बोलना, मैंने यहाँ पे राइट पे टैप किया, राइट पे टैप करने के बाद अब क्या होगा, ये मेरा वीडियो पूरा का पूरा यहाँ पे बन चुका है। अभी मैं आपको प्रोसेसिंग करके वीडियो भी दिखाऊंगा, मेरी वीडियो किस प्रकार से बनी हुई, यहाँ पे देखिए सुनिए आप लोग। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मेरी वॉइस यहाँ पे फिट बैठ चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको पहले वॉइस कम करता हूँ। अब इसी प्रकार दोस्तों आपको भी बनाना होगा, आपको बोलना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज और भी बता देता हूँ, यहाँ पे वो कई सारे ऑप्शन, यहाँ पे जैसे रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अगर फिर से कोई चीज गलती हो गई तो आप यहाँ से फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए इस पर टाइप करेंगे। अरे यार ये भाई कितना जबरदस्त तरीके से यार स्केट बोर्डिंग कर रहा है, गजब गजब। तो मैंने आप इस प्रकार से बोल दिया, अब देखिए ठीक है, अब देखिए उसमें मेरी वॉइस कितना क्लियर आ रही है। जस्ट यही काम आपको भी करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जैसे आप नेक्स्ट पे टाइप करेंगे अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपकी डिटेल्स भरने के लिए आ जाएंगे कि आपको क्या और कैसे अपनी वीडियोस अपलोड करनी होगी। तो भाई वीडियोस अपलोड करने का प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है, हालांकि बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, लेकिन शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका आपको जानना है। कैसे आपको अपने टाइटल लगाने, कैसे क्या इसमें हैशटैग लगाए जाते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का बेहतर से बेहतर प्रोसेस पे एक वीडियो बना दिया है और दो वीडियो बनाया, इस एक वीडियो बनाया मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का बेहतर तरीका, एक एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया शॉर्ट वीडियो पे आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। तो दोनों वीडियो जाके देख लीजिएगा भाई, दोनों वीडियो देखने के बाद आप अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करिए, आपका भी चैनल जबरदस्त तरीके से वायरल होने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, जब मैं वीडियो बनाता हूं तो भाई वो हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो देखते रहते हैं, या फिर वो कभी पहले भी ऑलरेडी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उसी चैनल पे जाके ये वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए आपको। तो आपको हमेशा एक फ्रेश चैनल बनाना है, फ्रेश चैनल बनाने के बाद आपको ये वीडियो डालना है, आपको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैंने दोनों वीडियो का लिंक डाल दिया है, शॉर्ट वीडियो वायरल करने का और शॉर्ट वीडियो पे कौन गलतियां नहीं करनी, दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए देखिए और आप भी अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करिए, आपका भी शॉर्ट वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल होने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ग्रीन स्क्रीन बारे में हर एक चीज डिटेल में पता चले होगा, मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया, साथ साथ वीडियो कैसे बनाया जाता है वो भी बताया, साथ साथ आपको कैसे वीडियोस अपलोड किया जाता है उस तरीके पे वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाइए देखेगा। और यार अगर आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियोस बनाने में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर से पूछेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज भाई जो ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ गलतियां बताया जो आपको नहीं करना चाहिए और एक गलतियां जो बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी न्यूज वीडियो पे अगर आप रिएक्शन दे रहे ना, तो आप उसको आप देखिए भाई वो न्यूज है तो आप उसको उस हिसाब से अपने कैटेगरी सिलेक्ट करिए। अगर आप किसी इंटरटेनमेंट वीडियो पे दे रहे हैं तो आप इंटरटेनमेंट सिलेक्ट करिए। अगर आप किसी ब्लॉग वीडियो पे दे रहे हैं कोई अगर ब्लॉग है तो आप ब्लॉग करिए। अगर आप मतलब जिस भी टाइप की वीडियो पे कार्टून पे दे रहे हैं तो आप एनिमेशन में रखिए। मतलब आप जिस टाइप की वीडियो पे अपना रिएक्शन दे रहे हैं उस टाइप से आपको अपनी कैटेगरी भी सेट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होंगे। तो ये जो तरीका था दोस्तों मैंने आपको हर एक तरीका बता दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप आज ही मेरे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम यूजर नेम @tabitechtips, वहां पे मुझे फॉलो करें, अपने क्वेश्चन को पूछिए, जैसे मैं आज से फ्री हो जाऊंगा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने वाला हूं। तो चले दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चले दोस्तों बाय।